नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो ये ट्रैक्टर आपको दिख रहे हैं, ये ट्रैक्टर इनका 9 तारीख को ऑक्शन होगा, यानी कि ये ट्रैक्टर बिकेंगे ऑक्शन में। आप ये देख रहे हैं, मैसी के जितने भी ट्रैक्टर हैं, ये सारे मैं ट्रैक्टर ऑक्शन में बिकेंगे 9 तारीख मंगलवार। और ट्रैक्टर स्टेशन पर आप अलवर के अंदर आएं और ये ट्रैक्टरों के ऑक्शन में भाग लें, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है मैसी के, कोई 15 मॉडल है और कोई 14 मॉडल है, कोई 20 मॉडल है, और भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर हैं, मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए, ये 1035 है और ये 245 है, फिर ये 241 है, उसके बाद में फिर ये 241 है। ये मैसी फर्गूसन ओल्ड मॉडल है, जिसको अपन सिविल मैसी बोलते हैं। ये सिविल मैसी है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाला ट्रैक्टर सिविल मैसी है। और उसके बाद में ये 20 मॉडल है, 241। और आप आएंगे ट्रैक्टर स्टेशन पे, ये 445 है, पावर ट्रैक डीजल सेवर, और काफ़ी सारे ट्रैक्टर हैं यहाँ पे। इनकी जो रेट है वो आपको यहीं पे आके पता चलेगी। इसकी एंट्री फ़ीस है, इन ट्रैक्टरों को ख़रीदने के लिए आपको एंट्री फ़ीस 11,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। किसान भाइयों को 11,000 रुपये आप जमा करा के इन ट्रैक्टरों की बोली में आप भाग ले सकते हैं, यानी आप 11,000 रुपये जमा कराएंगे तो आप इन ट्रैक्टरों की बोली में भाग ले सकते हैं। फिर इसमें और भी काफ़ी ट्रैक्टर हैं, जैसे ये 1035 ट्रैक्टर खड़ा है, ये भी इसी बोली के अंदर आएगा। फिर ये 241 खड़ा हुआ है, ये भी इसी बोली के अंदर आएंगे। ये जितने भी ट्रैक्टर हैं, ये सारे इन बोलियों के अंदर आएंगे, और ये बोली लगेगी अलवर राजस्थान ट्रैक्टर स्टेशन के अंदर, ट्रैक्टर स्टेशन अलवर राजस्थान के अंदर। ये 245 है, ये आप देख रहे हैं 245 ट्रैक्टर, इसकी बोली भी। ये प्लेंट्री प्लस 245 ट्रैक्टर है, काफ़ी गुड लुकिंग ट्रैक्टर है ये भी, इसकी भी 46 HP में ट्रैक्टर है ये, इसकी भी बोली लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये सारे ट्रैक्टर, ये जितने भी ट्रैक्टर हैं, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाऊं, तो ये जितने भी ट्रैक्टर हैं ऑक्शन में लगेंगे, ये ट्रैक्टर ऑक्शन में ये ट्रैक्टर लगेंगे। और कोई इसमें 20 मॉडल है, कोई 15 मॉडल है, कोई 18 मॉडल है, मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये 1035 भी है, इसमें 241 है, 241 1035 सारे ही ट्रैक्टर हैं इसके अंदर, और इनकी बोली लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर हैं, और अगर आप इच्छा रखते हैं ट्रैक्टर ख़रीदने की तो आप अलवर के अंदर आएं, अलवर ट्रैक्टर स्टेशन में। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे ट्रैक्टर, तो ये सारे ट्रैक्टर बिकेंगे ऑक्शन में, और किसान भाई जो भी है बढ़ चढ़ के बोली लगाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने के लिए, तो आप इन ट्रैक्टरों को ज़रूर ख़रीद सकते हैं बोली के माध्यम से। तो किसान भाइयों को ये मौका कभी कभी मिलता है, तो आप ये सारे मॉडल जो हैं, कोई मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोई 10 मॉडल है, कोई 8 मॉडल है, और कोई 9 मॉडल है, कोई 20 मॉडल है, ये काफ़ी सारे ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर स्टेशन के अंदर, और ये ट्रैक्टर सारे बिकाऊ हैं, आप देख सकते हैं ये सारे ट्रैक्टर बिकाऊ हैं। और ये आपको अलवर राजस्थान ट्रैक्टर स्टेशन पे ही मिलेंगे ये सारे ट्रैक्टर। 9 तारीख को ऑक्शन है, 11,000 रुपये एंट्री फीस है, आप 11,000 रुपये जमा कराएंगे। तो अगर आप ट्रैक्टर नहीं भी ख़रीदते हैं तो भी आपके ये 11,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। मान लो ऑक्शन में आप ट्रैक्टर नहीं ख़रीद पाए तो आपको ये 11,000 रुपये रिटर्न रिफंड हो जाएंगे। तो ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर माने जाते हैं, जो मैसी के ट्रैक्टर होते हैं, और ये किसान भाइयों को काफ़ी पसंद आते हैं ये ट्रैक्टर। तो किसान भाइयों, आप लोगों को ये ट्रैक्टर कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और
9 तारीख को आप ज़रूर आएँ ट्रैक्टर स्टेशन पे अलवर के अंदर। तो ये एक संदेश था किसान भाइयों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ताकि पहुँच सके और किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।